ये हैं श्री वासुदेव सिंह उर्फ अवध के आधुनिक जायसी उर्फ छोटा निराला उर्फ महान कवि त्रिलोचन शास्त्री। पर इन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन काम है। संभव है कि अपने गांव के खेत में काम करते मिल जाएं, या हो सकता है वे बनारस में हों, या इससे दूर गोवा के समंदर के किनारे हों, या रेल की पटरी के साथ जा रहे हों। वो कहीं भी हो सकते हैं। पर आजकल त्रिलोचन रीतिकालीन कवि पद्माकर के शहर सागर में मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। त्रिलोचन 80 को पार कर चुके हैं, इसलिए बचपन से यौवन और यौवन से वर्तमान तक के अनुभव का लंबा सफर बाद के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता। जीवन मिला है ये, रतन मिला है ये, धूल में कि फूल में, मिला है तो मिला है ये। मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। यादों का एक मोहक झटका उन्हें अपने अद्भुत बचपन में ले जाता है। किसान परिवार में पैदा होने के कारण ही त्रिलोचन का कठोर जीवन संघर्ष बचपन में ही शुरू हो गया था। परिवार में उनकी शिक्षा को लेकर काफी विरोध रहा। दादी परिवार के विरोध में शामिल होते हुए भी किशोर त्रिलोचन की पढ़ाई के पक्ष में रहीं। दादी जिन्हें वो बुआ कहते थे आधुनिकता की पक्षधर थीं। तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी सयान हो करके खेती बाड़ी वाले काम में लगूं। मेरी उम्र पढ़ने की थोड़ी मानी जाती थी। असल में हमारे यहाँ चरवाहे लड़ जाते थे कभी पढ़ने वालों से। 3 मील का रास्ता अकेले तय करता था रोज। हमारे यहाँ एक छोटा सा ताल था जिसमें जाना पड़ता था, पानी यहाँ तक आ जाता था हमारे। तो अपना बस्ता वस्ता ऊपर ताने हुए नंगा हो के मैं जाता था, ताल पार करता था। अवध क्षेत्र में शादी 9 साल में ही हो जाती थी। शादी करके आए तो पत्नी को इक्के पर चारों ओर पर्दा लगाकर बिठाया गया, और फिर वो घर के अंदर और त्रिलोचन घर के बाहर। ये पूरी तस्वीर 20 के दशक में हमारे समाज के सांस्कृतिक माहौल को पेश करती है। यही समझता था कि असल में पति पत्नी का संबंध क्यों होता है यह नहीं जानता था। मैं यह जानता था कि राम देते हैं बच्चे। मैक्सिम गोर्की की तरह त्रिलोचन का बचपन कठोर और संघर्षशील था। त्रिलोचन ने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार सुल्तानपुर से दिल्ली का सफरनामा हंसते खेलते तय किया। बालक त्रिलोचन को पता था कि रेल की पटरी दिल्ली जाती है। दिल्ली में दरियागंज में बालक त्रिलोचन बच्चों को पढ़ाते थे और 2-3 महीने बाद वापस सुल्तानपुर अपने गांव लौट जाते थे, दादी को पैसे देते थे। दादी की सहमति थी। वे सन 1931 में बनारस आ गए, जहां ट्यूशन पढ़ाकर अपना और परिवार का खर्च पूरा करते थे। त्रिलोचन बनारस के सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होते रहे। सड़कों गलियों पहलवान के अखाड़ों से उनकी भिड़ंत होती रही। पर इनके समानांतर उनके कवि व्यक्तित्व की यात्रा निरंतर जारी रही। Thank you.
दीवारें 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 चारों ओर खड़ी हैं। तुम चुपचाप खड़े हो, हाथ धरे छाती पर, मानो वहीं गड़े हो। मुक्ति चाहते हो तो आओ, धक्के मारें और ढहा दें। 47 से लेकर के मेरा ख्याल है कि 1953 तक तो प्रातः काल गंगा स्नान करने के लिए जब साथ जाते थे एक ही घाट पर और तैरते थे, ये प्रतीकात्मक हो सकता है कि त्रिलोचन जी के साथ मैंने गंगा पार किया और साहित्य की गंगा भी उनके साथ मैंने पार की है। इसलिए हम लोग साथ साथ तैरते रहे हैं, चाहे काशी की गंगा हो चाहे हिंदी की गंगा हो। अनेक संस्मरण त्रिलोचन जी के हैं। अक्सर हुआ है कि मेस में खाना नहीं मिला तो त्रिलोचन जी के साथ उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ उनके हाथ की रोटियां खाई है कई बार। और वो रात भूखी नहीं बीती त्रिलोचन जी की वजह से। दशा समेत घाट पर गंगा की धारा है, तट पर जल के ऊपर ऊंचे भवन खड़े हैं, विपुल गुहा कक्षी ज्यों क्षुद्र पहाड़ गड़े हैं, बिजली जली ज्योति से भग्न तिमिरकारा है, तोड़ मारते जल प्रवाह का स्वर न्यारा है, जल पर पीपल की शाखा के छत्र पड़े हैं, दल दल के तम से बिजली के स्रोत लड़े हैं, तमसा छन्न क्षितिज तरु श्रेणी नभ सारा है, रर्रे बैठे काली सड़क दाहिने बाएं, जल को छूते तख्ते तख्तों पर सैलानी जमे हुए हैं, कहीं जल रहे चल रही कथा कहानी नौजवान आते हैं, आती हैं महिलाएं, विस्फारित लोचन बिलोकने वे उपदाएं जो गंगा ने दी हैं, जो हैं आनी जानी। त्रिलोचन यायावर हैं। त्रिलोचन ने कलकत्ता का भ्रमण किया जो उन्हें बहुत पसंद आया। रिक्शा मैंने चलाया है कलकत्ता में, और कलकत्ता में हैंड रिक्शा। कारण यह है कि शहर में संघर्ष जो है वो गांव वालों का है, शहरी लोगों का क्या संघर्ष करेंगे, संघर्ष नहीं होता शहरियों में, बेईमानी होती है, धूर्तता होती है और दूसरे को लूट लेने की प्रवृत्ति होती है। गरीब नहीं लुटेरा बनता, याद रखिए, वो अधिक लूटेगा तो पेट भर लेगा। त्रिलोचन के जहन में कलकत्ता एक दूर देश की तरह है, मानो परियों का देश हो। 1945 के आसपास ग्रामीणों के लिए तो कलकत्ता वास्तव में परी के देश जैसा ही था। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। त्रिलोचन बिना कारण के घुमंतू कवि नहीं है, वे आजीविका के लिए जहां गए वहीं जनता के बीच रहे। आज जनवार्ता, समाज, प्रदीप, चित्ररेखा, हंस और कहानी आदि पत्र पत्रिकाओं में सह संपादक रहे। इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा में भी काम किया। 1978 से 1984 तक दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी उर्दू कोश परियोजना में कार्य किया, विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाया। 1985 से सागर विश्वविद्यालय की मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं।
त्रिलोचन में अद्भुत जीवन शक्ति है। इतनी यात्राएं, इतना सारा काम और इनके समानांतर त्रिलोचनी कविताओं की अनंत गंगा धाराएं उनकी काव्य गंगा में समाकर व्यापक हो गईं। चल रही हवा धीरे धीरे सीरी सीरी, उड़ रहे गगन में झीने झीने खजरारे चंचल बादल, छिपते दिपते जब तक तारे उज्जवल झलमल, चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती। लोग कहते हैं कि त्रिलोचन किंवदंती पुरुष हैं। जब वो बैठते हैं तो अलाव जल उठता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जायसी के पद्मावत को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमान धार्मिक पुस्तक के रूप में मानते हैं। अनुप्लाव मंडल, अब मंडल इनका सरनेम था परिवार का, वही फणीश्वरनाथ रेणु थे मंडल। इनको बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। अब प्रेमचंद के काल से वे लिखते थे। काफ़ी पहले नागार्जुन पर वारंट था बिहार से, तो वह आए और मुझसे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ऊपर तो ऐसे ही नज़र रखने वाले दो हैं और सेंट्रल के हैं, लेकिन यह है कि आप अन्यत्र से आ रहे हैं, इसलिए आपको एक बात बता रहा हूँ, गलत बोलिए अवधि बोलिए यहाँ, और आप गलत बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं कहूँगा कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, और आपका नाम कुछ भी कर लेते हैं। आप यह बताइए कि कोई पूछे तो रामबरन मेरा नाम है। बनारस में उस जमाने में ठड़ुआ क्लब हुआ करता था, जिसमें कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, वक्ता आदि को सम्मानित किया जाता था, कुछ कुछ हास्य रस के तौर तरीके से। काशी के महान ठलुआ की उपाधि से 1963 में त्रिलोचन शास्त्री को भी बख्शा नहीं गया। तो ठलुआ क्लब बना और उस क्लब में उन्होंने बहु संपूर्णानंद को भी बुलाया, तो संपूर्णानंद ओशो आवास में थे। उन्होंने कहा मैं अपने को ठलुआ मानता नहीं, फिर भी मुझे लोगों ने ठलुआ क्लब में बुला के मेरा सम्मान किया है। महान कवि समकालीन जनजीवन से अलग नहीं रह सकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, त्रिलोचन ने भी आंदोलन में शिरकत की। 42 में जो आंदोलन चला था उसी आंदोलन के सिलसिले में मैं पकड़ा गया था, लेकिन मैंने जेल का अपने जाने का अपने परिचय में कहीं तो दिया नहीं। स्वतंत्रता का कितना मान है मुझको अब इसका अनुमान है। सामने वह पिंजरे में तोता है, उसे देख दर्द आज होता है। त्रिलोचन के कहने के दो रूप हैं, एक वो जो व्यक्ति के स्तर पर प्रकट होता है और दूसरा वो जो कविता में उतर आता है। भारतीय व्यक्ति की बदकही की यह विलक्षण बात है कि कहीं तो वो बहुत बातूनी होता है और कहीं वो बहुत सारी बात को कहावत में या किसी चौपाई में समेट लेते हैं। धरती 1945-1977, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूं 1981, अर्धान 1983, अन कहती है 1985, फूल नाम है एक 1985, तुम्हें सौंपता हूं 1985, प्रतिनिधि कविताएं त्रिलोचन 1985, देशकाल कहानी संग्रह 1986, सबका अपना आकाश 1987, चैती 1987, अमोला 1990, रोजनामचा डायरी 1993। 35 से 40 तक
पूरा संग्रह मेरा है 125 सॉनेट का, वह अभी तक किताब में भी नहीं छपा है। उसने तो झूठे ठाट बाट बांधे हैं, चीज़ किराए की है। स्पेंसर, सिडनी, शेक्सपियर, मिल्टन की वाणी, वर्ड्सवर्थ, कीट्स की अनवरत प्रिय कल्याणी स्वरधारा है, उसने नई चीज़ क्या दी है। सॉनेट से मजाक भी उसने खूब किया है, जहाँ तहाँ कुछ रंग व्यंग्य का छिड़क दिया है। मैं तो उनको हंसी में कई बार ये कहता रहा हूँ कि आपसे बड़ा रूपवादी कवि हिंदी में कौन होगा, क्योंकि आप एक ही रूप पर, सॉनेट पर बरसों से जमे हुए हैं, उसी पर एकाग्र हैं, उससे हटते ही नहीं हैं। तो किसी और कवि को मैं नहीं जानता जिसने इतने वर्षों तक अपनी कविता के इतने सोपानों को एक ही रूप से पार किया हो। लेकिन उस रूप में उन्होंने किया क्या है? अगर आप याद करें, मुझे याद है उनकी बहुत आरंभिक कविताएं, भौजी नई नई आई थी और चितकबरिया या क्या वगैरह, या बाद में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। सिर्फ सॉनेट लिखने के कारण त्रिलोचन जी को रूपवादी कहना गलत होगा। सॉनेट एक तरह की कसावट, एक अनुशासन है कि 14 पंक्तियों में एक पूरा भाव, एक पूछा विचार, जैसे उर्दू में मुसलसल गज़ल होती है, उसी तरह से सॉनेट एक तरह का गीत है। और गीत में आप देखेंगे कि तुकों की भी परंपरा अलग अलग है। अंग्रेजी में जैसे ABBA चलता है और ABAB चलता है, ABCD चलता है, 6 पंक्तियों का एक होता है टुकड़ा, एक 8 पंक्ति का टुकड़ा होता है। इसलिए सॉनेट कहने से काम नहीं बनेगा। सॉनेट में जितनी विविधता होती है, पेट्रॉक की परंपरा अलग है और शेक्सपियर वाले सॉनेट की अलग परंपरा है, विविधताएं ले आए। और सबसे बड़ी बात थी, उनके सामने चुनौती थी कि सॉनेट में, जिसको रन ऑन लाइन कहते हैं, कि तुक पर वाक्य पूरा नहीं होता है, बल्कि तुक जहाँ पूरा होता है उसके बाद वाक्य होता है दूसरी लाइन में पूरा, कभी कभी तीसरी लाइन में पूरा होता है। इधर त्रिलोचन सॉनेट के ही पथ पर दौड़ा, उप सूचित करने वाले वाक्य, इधर त्रिलोचन सॉनेट के ही पथ पर दौड़ा, सॉनेट 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 सॉनेट, क्या कर डाला ये उसने भी, अजब तमाशा। आधुनिकता के सारे प्रचलित मापदंडों को अस्वीकार करते हुए भी वे आधुनिक हैं। त्रिलोचन की कविताएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट जनपद से अनुप्राणित हैं। उस जनपद का कवि हूं, पूर्वी गांव के भावबोध में इटली का सॉनेट आकर विशुद्ध जनपदीय हो जाता है। दरअसल वे आज की हिंदी कविता में उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आधुनिकता के सारे शोर शराबे के बीच हिंदी भाषा और हिंदी जाति की चेतना की गहरी जड़ों को सींचती है और चुपचाप बहती रहती है। दरअसल त्रिलोचन जी को शुद्ध रूप से समकालीनता के घेरे में नहीं बांधा जा सकता। उनकी कविता ज़्यादा दूर तक फैली हुई है, बहुत लंबे समय से वो कविता लिखते रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान मेरा जाता है कि उन्होंने 30 के बाद, यानी 32 33 34 बाद के आसपास शायद लिखना शुरू किया होगा। तो इतने लंबे काल विस्तार में जिसकी रचनाशीलता फैली हो, उसको आप समकालीनता में बांधना चाहेंगे तो कठिनाई पैदा होगी। मुझे लगता है कि अगर तो सारूप में कहा जाए तो दो प्रवृत्तियाँ ऐसी रही हैं जिनमें कहीं उनको तलाशना होगा। एक तो वो प्रवृत्ति थी जो प्रयोगवाद और नई कविता के साथ हिंदी में आई और जो पश्चिम से बहुत कुछ सीखती हुई। कवियों की पहचान बनने में थोड़ा काल भेद है, क्रमशः बना है, और ये भी सही है कि त्रिलोचन का काफ़ी धीरे धीरे बना है और बाद में बना है, इसे कई सारे कारण हैं। अजब बात है कि जो प्रगतिशील कविता का दौर था, उस दौर में भी त्रिलोचन उतने लोकप्रिय नहीं थे, नहीं जाने जाते थे। बल्कि आश्चर्यजनक यह है कि त्रिलोचन की पहचान बनी है नई कविता के समानांतर, उसके बरक्स, बल्कि मैं कहूं कि शायद उसके प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक इमेज बना है। नगई महरा,
गांव वाले इधर उधर कहते थे नगई भक्त आया है, सामना हो जाने पर कहते थे नगई भगत। नगई कहार था, अपना गांव छोड़कर चिरानी पट्टी आ बसा। त्रिलोचन ने नगई महरा की कविता में भारतीय समाज की कथा का बयान शब्दों के ठोस धरातल पर किया है। सारा जनपद चिरानी पट्टी की सामाजिक व्यवस्था की कलई खोलने लगता है। बुआ भी चुप ही रही, उसके इनारे की ओर चले जाने पर आप ही आप कहा, कौन नीच जात के मुंह लगे। तब मेरी उम्र जैसी छोटी थी, समझ भी छोटी थी, शब्द याद रह गए, अर्थ बरसों बाद खुला जब समाज के कई पर्दे खुलने लगे। दूसरी बात यह है, वो मुझसे रामचरित मानस का कोई पोर्शन कहता था कि मैं पढ़ूं, यह उसकी आदत थी, बाकी लोगों में यह कम पाया। इसलिए नगई आज भी याद आता है मुझे, अब नगई जैसा और कोई चरित्र तो यहाँ मिला नहीं। काशी का जुल्हा, ब्राह्मण को तुकारने वाला वो काशी का जुल्हा, जो अपने घर नित्य सूत तनता था, लोगों की नंगई ढांकता था। क्योंकि अवधि में बहुत रचे बसे हैं त्रिलोचन जी, अवध के जीवन, अवध के लोग, गांव के, उनको लगा कि हमको अवधि में कविता लिखनी चाहिए। त्रिलोचन जी से की प्रेरणा से कई भाषाएं जानते हैं त्रिलोचन जी, इन्हीं की प्रेरणा से मैंने बांग्ला सीखी। उर्दू थोड़ी थोड़ी पहले से जानता था, उर्दू साहित्य में गति हुई। संस्कृत भी जो कहते हो याद हो जाता था, संस्कृत का, यही फारसी में मेरा रहा। उर्दू में तेज निकलने से मौलवी ने मेहरबानी करके कहा कि मुझसे फारसी पढ़ो, तुम उर्दू में तुम्हारा वक्त ज़ाय होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि मैं अपनी दादी से पूछूंगा, अगर वो फारसी पढ़ने को कहेगी तो मैं पढ़ूंगा। त्रिलोचन दो टूक शब्दों में कह देते हैं, तो भावुकता नहीं है हिंदी भाषियों में, इसीलिए आप बंगला के उपन्यास पढ़िए, वैसे कैरेक्टर आपको बंगाल के बाहर नहीं मिलेंगे, अब बंगाल में मिल ही जाएंगे। त्रिलोचन ने तुलसीदास और निराला से भाषा सीखी। गालिब का कहना है कि आसान लैंग्वेज देना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। कविता आसान हो, ऊंची हो, यह गालिब का मत था। जैसे गालिब का एक वो है, दर्द मन्नत कसे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो गालिब का मिजाज कहाँ सबको मिलता है। संस्कृत में इस स्वभाव का कोई कवि नहीं, हिंदी में केवल निराला है। विचारधारा में मैं ज्यादा करीब था रामविलास के। बचपन से लेकर आज तक त्रिलोचन जहां बैठते जहां जाते निराला की कविताओं का पाठ अवश्य करते। कहा जो न कहो नित्य नूतन, प्राण अपने गान रच रच दूं, विश्व सीमाहीन बांधती जाती मुझे कर कर व्यथा से दीन। कर रही हो दुख की विधि, यह तुम्हें ला दी नई निधि, विहग के वे पंख बदले किया जल का मीन, मुक्त अंबर गया अब हो जलधि, जीवन को कहा जो न कहो। बेहद दिलचस्प इंसान है त्रिलोचन। भारतीय राजनीति, दर्शन और धर्म का ज्ञान उनसे निकलकर एक नई दुनिया की संभावना की ओर संकेत देता है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उसके पहले मैं सशस्त्र क्रांतिकारियों के साथ रहा हूँ बहुत बचपन से।
जो समाजवाद के समर्थक थे, और इनका समाजवाद जो था मार्क्सवाद से उतना परिचित तो नहीं था, आपके यहाँ साहित्य ही नहीं था उतना, जो साहित्य था वो उपन्यास के रूप में था। मैंने मार्क्सवाद को लोगों ने जाना मदर उपन्यास जो गोर्की का है उसके द्वारा, और इसमें संदेह नहीं कि कम्युनिस्ट आंदोलन भी मजबूत हुआ रूस में मदर उपन्यास से। त्रिलोचन जनता के कवि हैं। 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 84 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान पुरस्कार, 1990 में मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, 1990 में हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, और अचानक त्रिलोचन सुर्खियों में। भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल, जिसको समझे था है तो है ये फौलादी। त्रिलोचन के काव्य जगत की यात्रा जारी रहेगी, किंवदंतियां, गजलें, रुबाइयों की चर्चा होती रहेंगी। आस्था और विश्वास के कवि त्रिलोचन जनता से प्यार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। त्रिलोचन और भी अलाव को रोशन करते रहेंगे। Sakai